करने वाले ने पीसीआर को धमाके की जानकारी दी थी। स्कूल के बाहर तेज धमाका हुआ था और धुआं उठा जो सफेद रंग का, उसकी जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस इससे भी पूछताछ कर रही है। मौके से भारी मात्रा में सफेद पाउडर भी मिला है। धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार निकला था, वो फुटेज आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। और अभी आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ जहां पुलिस 9 घंटे पहले तक की पूरे जो कैमराज को खंगाल रही कि कौन यहां पर आया था, कब यहां पर आया, क्या किसी ने यहां पर कुछ एक्सप्लोसिव पदार्थ वो रखा था, वो एक तरफ जहां जांच की जा रही, वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद की अब रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। जिसने पीसीआर को कॉल किया था उससे भी पूछताछ की जाएगी। विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी? रोहिणी प्रशांत विहार। कौन से स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने। पर जल्दी सीआरपीएफ स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। सुनाई दी आपको? हाँ, आवाज सुनाई थी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो कोई बला सूट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। कॉल का जिक्र हम कर रहे थे, पीसीआर अटेंडेंट। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी? रोहिणी प्रशांत विहार। कौन से स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने। पर जल्दी सीआरपीएफ स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी आपको? हाँ, आवाज सुनाई थी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो कोई बला सूट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि अब उन एप्स को भी खंगाला जाएगा जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती है, पता नहीं चलता है कौन किससे बातचीत कर रहा है। इसीलिए टेलीग्राम खोलेगा राज, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है टेलीग्राम पर, जो बातचीत की जाती है उसको साझा किया जाए, उसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाए। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप को यह लेटर लिखा है, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी गई है। ब्लास्ट के बाद टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी फुटेज भी डाली गई थी। सीसीटीवी फुटेज डालकर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस की जांच में अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जांच जारी है। टेलीग्राम से भी अभी तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है कि जिस चैनल के बारे में पुलिस जानकारी चाहती है उसकी जानकारी टेलीग्राम की ओर से, सोशल मीडिया ऐप की ओर से दी जाएगी या नहीं, क्योंकि पुलिस आतंकी एंगल की भी जानकारी हासिल कर रही है या किसी ने शरारत के चलते ये ब्लास्ट वहां पर किया है, किसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी जानकारी भी पुलिस की ओर से हासिल की जा रही है। तो तमाम एंगल से जांच हो रही है, यही वजह कि टेलीग्राम को लेटर लिखकर जानकारी मांगी गई है। बिल्कुल अनामिका, आप ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रही हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ग्राउंड पर ले चलते हैं क्योंकि साहिल वहां पर लगातार बने हुए हैं। साहिल, दो सवाल है। एक तरफ हमने रिकॉर्डिंग सुनाई पीसीआर अटेंडेंट की और जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने जानकारी दी थी, उसके बीच रिकॉर्डिंग जो है उससे भी पूछताछ क्या की जा रही है ये बताइएगा। और दूसरा ये कि टेलीग्राम ऐप को भी चिट्ठी लिखी गई है, हालांकि अभी तक कोई टेलीग्राम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, इस पर कोई अपडेट? हाँ, देखिए पहला जैसे जिस समय धमाका हुआ उस समय एक शख्स ने पीसीआर कॉल के लिए पुलिस को जानकारी दी, उसने यही बताया कि यहाँ पे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने आई है, प्रशांत विहार थाना लगता है, पुलिस को मौके पे भेजे। अब फिलहाल शुरुआती तौर पे उससे पुलिस ने एक बयान लिया था, वो बयान दर्ज किया गया, बयान दर्ज करने के बाद उस शख्स को जो है छोड़ दिया गया है जो पीसीआर कॉलर था। अब दूसरा सवाल, जिस तरीके से अब इसमें खालिस्तानी एंगल पे भी दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि धमाके के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक धमाके का वीडियो अपलोड किया जाता है, एक जानकारी ली जाती है और उसमें खालिस्तानी जिंदाबाद लिखा जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो इस एंगल पे जांच करेगी, कहने का इसमें खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता। उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक लेटर लिखा गया है जिसमें पुलिस ने
जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी हासिल की गई है और ये पूछा कि आखिर किसके आईपी एड्रेस के जरिए पूरा जो पोस्ट है वो किया गया है, जिससे कुछ जानकारी जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से पुलिस को मिल सके। लेकिन लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी टेलीग्राम की तरफ से कोई जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को साझा नहीं की गई है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि आज शाम तक जो है टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को जो है इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के साथ जो जांच एजेंसियां इस मामले में एंगल से जांच करी कि आखिरकार इसमें यहां पर लगातार ये सवाल बना हुआ है और लगातार ये पूछा जा रहा है कि इसके पीछे कौन आका है, दिल्ली में विस्फोट का मास्टरमाइंड कौन है। और क्योंकि लगातार जांच जारी है, हर एक एंगल से पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आए दिन यहां पर खुलासे भी हो रहे हैं। हर एक क्षण यहां पर देखिए जिस तरीके से एजेंसियां हैं वो तत्पर यहां पर नजर आ रही है और हर एक एंगल से यहां पर पड़ताल जारी है। लेकिन इस बीच खालिस्तानी कनेक्शन के भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। धुएं का गुबार, सफेद पाउडर बना रहा, दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास रविवार सुबह धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार नजर आया। धमाके के बाद जांच एजेंसियों की जांच जारी है, कई एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्योंकि मौके से ना टाइमर, ना डेटोनेटर, ना कोई मेटल, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। मौके से मिला है तो सिर्फ सफेद पाउडर, और इसी सफेद पाउडर के कारण ये धमाका रहस्यमय हो गया है। यही कारण है कि जांच एजेंसी इस धमाके की जांच आतंकी हमले के एंगल से भी कर रही है। सबूत के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ सफेद पाउडर और सीसीटीवी फुटेज है और इसी के सहारे आगे बढ़ रही है जांच। सीसीटीवी खंगालने के साथ साथ हजारों फोन कॉल्स की जांच भी की जा रही है। वहीं इसी साल मई महीने में दिल्ली के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। और इसी बीच खबर है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया। इसमें कहा गया है कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम है। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही है। वही एनआईए और एनएसजी की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। धमाके के पीछे कौन है इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबके मन में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये दिवाली से पहले दिल्ली दहलाने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।